नॉलेज मेरा टुडेज टॉपिक लेक्चर्स अब लगभग लेक्चर्स कंप्लीट हो चुकी है एंड लेक्चर्स रहेगी आपकी रैपिड लेक्चर्स एवरीथिंग थ्री टाइप्स होते हैं पहली हेल्प कर दर वैक्सीन इसमें पहला है एच एच डी पी ह्यूमन डिक्लेयर्ड प्योरीफाइड वैक्सीन दूसरा है प्योरीफाइड किट अप्रूव्ड वैक्सीन पी सी सी इसमें सेकेंड है तक अप्रूव्ड वैक्सीन देव थर्ड है एंटीबी डॉक्टर टिश्यू वैक्सीन
रोटा वायरस, सेंट्रल रिनल कीजिए, जितनी स्ट्रेंथ यूज करते हैं उसी उसमें स्ट्रेंथ को बढ़ती है तो उसको पेंटा रेल पे लेते हैं। थ्री डोजेज दी जाती है इसकी और एक दी जाती है 6, 10 and 14 यूजिंग द डायग्राम रोटा वायरस। नेक्स्ट है आपके निमोकोकल वैक्सीन जो निमोनिया से प्रिवेंट करती है, निमोनिया से प्रिवेंट करती है जो उसकी डोज लगती है ये आयरन है सबसे बेसिक डोज लगती है। दूसरा 0.5 ml डोज लगती है। तो ये हुई आपकी निमोकोकल वैक्सीन। नेक्स्ट यूजिंग द डायग्राम ये सबसे देती है 0.5 ml डोज और ये टाइप होती है A3NY वैक्सीन को टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं उसमें हम कोल्ड चेन कहते हैं। तो कोल्ड चेन में क्या होता है, कोल्ड चेन इससे आप एसटीडी से याद कर सकते हैं इसको। एस से यानी स्टोरेज, ट्रांसपोर्टिंग, जो वैक्सीन से स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग से लेके स्टोरेज ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द कोल्ड चेन। यानी जब तक ये टैंक तक पहुंची वैक्सीन तब तक इसका टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है कोल्ड चेन के थ्रू। तो नेक्स्ट है इसका कोल्ड चेन को हम कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या एसेंशियल जरूरत रहती है, वो क्या होती है। पहली होती है कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स। सेकेंड होती है आपके ट्रांसपोर्टिंग टैंक वर्कर्स,
और होती है इनकी पोर्टल। तो ये एसेंशियल है वैक्सीन को कोल्ड चेन को मेंटेन रखने के लिए है कि कोल्ड चेन इक्विपमेंट ट्रांसपोर्टर एंड वर्कर्स जो वर्कर्स होते हैं उनको काफ़ी एजुकेट किया जाता है कि कोल्ड चेन का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखा जाता है, कैसे रखना है उन कैंसर वैक्सीन को, क्योंकि ये काफ़ी रेयर वैक्सीन होते हैं जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन रहते हैं। फोर्थ है मोटिवेशन, तो ये हो गए कोल्ड चेन को एसेंशियल जो जिसको कोल्ड चेन को मेंटेन रखा जाता है। अब लेते हैं हम कोल्ड चेन इक्विपमेंट, पहला है वॉकिंग रूम। कोल्ड चेन में पहला है वॉकिंग रूम, इसमें क्या होता है ये संभाग क्षेत्र पे सिचुएटेड होते हैं, सिचुएटेड क्या होता है ये संभाग क्षेत्र से संभाग क्षेत्र पे लीजिए ये संभाग क्षेत्र पे संभाग क्षेत्र पे होते हैं और ये इनके अंडर में 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट आती है जिनको ये वैक्सीन सप्लाई करते हैं। उदाहरण के लिए क्वेश्चन है जयपुर के अंदर क्या क्या जो आ रहे हैं, तो ये उसको मेंटेन करते हैं। दूसरा ये जो है 3 मंथ तक वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड है आपकी डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर के अंदर बॉक्सेस होते हैं जिसमें वैक्सीन ऊपर के क्रम से नीचे तक एडजस्ट की जाती है, क्योंकि वैक्सीन हीट सेंसिटिव होती है जिसमें ओपीवी एंड यूजर्स काफ़ी -20 डिग्री टेम्परेचर में उनको रखा जाता है। तो इसमें एक बॉक्स होता है जो इसमें वैक्सीन को इस तरह से कोडिंग होती है जिसमें लास्ट में टेम्परेचर होती है होता है। नेक्स्ट में यह होता है कि हेपेटाइटिस जो फर्स्ट वैक्सीन होती है हेपेटाइटिस, थर्ड पे आती जो मीजल्स बीसीजी, लास्ट में ओपीवी एंड मीजल्स। तो इस तरीके से ये जो वैक्सीन को इसमें एडजस्ट किया जाता है एक मीजल्स में, जो ये है जो सिचुएट होता है सिचुएशन इसका होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये होता है और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है 40 से 300। मशीन का डायग्राम की प्रेजेंट है वैक्सीन के लिए क्या होता है ये जैसे पोलियो इम्यूनाइजेशन जो होता है प्रोग्राम उसके दौरान अपन जो वैक्सीन के लिए उसको लेके डोर टू डोर जाते हैं तो वो होता है वैक्सीन के लिए, इसमें 16 से 20 साल की वैक्सीन की कैपेसिटी होती है।
और इसमें जो टेम्परेचर होता है मेंटल उसमें अगर सकता है वैक्सीन को वो होता है 48°. तो ये हो गया वैक्सीन के लिए उसी का टाइप का वैक्सीन के लिए. इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यूजली दैट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो कि मैं पहले आपको डिस्क्राइब कंप्लीटली कर चुका हूँ एंड देख यूजली दैट